बीजेपी में आजकल सीएम बदलों का दौर चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहां तक कह दिया कि मुख्यमंत्रियों को इस बात की चिंता है कि ना जाने उन्हें कब हटा दिया जाए। 5 महीने में बीजेपी 5 मुख्यमंत्री बदल चुकी है और अब लगता है जल्द ही छठवें का नंबर आने वाला है। तो अब किस सीएम की कुर्सी दिख रही है मुश्किल में, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन करने के बाद अब किस राज्य का सीएम बदलने वाला है, ये सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता ही पूछने लगे हैं। दरअसल जिस तेजी से बीजेपी शासित राज्यों में बिना चुनावों के ही मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उसके बाद तो ये लग रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी सभी सीएम बदलने की तैयारी में है। पार्टी के अंदर से तो यहाँ तक दावे हो रहे हैं कि गुजरात मॉडल को ही पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वहाँ लागू किया जाएगा और गुजरात मॉडल की पहली झलक दिखाई दे सकती है हरियाणा में। जी हाँ, हरियाणा में भी सरकार का चेहरा बदल सकता है। दरअसल हरियाणा में जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है और सरकार इसे सुलझाने में नाकाम साबित हो रही है, उससे केंद्र सरकार नाराज है। नाराजगी का एक कारण ये भी है कि राज्य में बीजेपी की सरकार के होते हुए भी बीजेपी कार्यकर्ता राज्य में कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के कार्यक्रमों को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण केंद्रीय नेतृत्व खट्टर सरकार से नाराज है। वैसे खट्टर को पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है, लेकिन जिस तरह से गुजरात में विजय रूपाणी की कुर्सी गई, उससे संकेत साफ हैं कि पीएम से करीबी का मतलब कुर्सी की सुरक्षा नहीं है। इस बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि खट्टर ने प्रधानमंत्री को अपनी सरकार के 2 साल के कामकाज के बारे में जानकारी दी है। इस मुलाकात में कृषि कानून के चलते किसानों के विरोध प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। दरअसल दिल्ली से लगे हरियाणा के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा रखा है और लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उसके पीछे मोदी सरकार कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की असफलता को जिम्मेदार मान रही है। ऐसे में सवाल कि क्या खट्टर बचा पाएंगे अपनी कुर्सी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।